आपके सामने अभी बैंक निफ्टी 30 मिनट चार्ट ओपन है और ये लेटेस्ट कैंडल्स 15 जून 2023 का है। प्राइस इस एरिया में लो बना के अपसाइड मूव कर जाता है, मतलब यहाँ पे प्राइस एक सपोर्ट फेस किया है। कुछ टाइम बाद प्राइस उसी एरिया में आया और फिर से यहाँ पे बायर्स एक्टिव होके प्राइस को सपोर्ट देने लग गया। ऐसा सिनेरियो अगर चार्ट के ऊपर बनता है तो इंट्राडे ट्रेडर यहाँ पे 30 मिनट का प्राइस एक्शन एंड 5 मिनट का कंफर्मेशन लेके एक अच्छा अपसाइड के लिए ट्रेडिंग सिग्नल ढूंढ सकता है। और ये सिनेरियो अगर उल्टा बनता है, मतलब 30 मिनट चार्ट पर प्राइस अगर कोई रेजिस्टेंट एरिया में आके सेलर ज्यादा एक्टिव हो जाता है तो प्राइस एक्शन एंड 30 मिनट का कंफर्मेशन के साथ डाउनसाइड के लिए एक अच्छा ट्रेडिंग सिग्नल ढूंढा जा सकता है। और इस वीडियो में आपको इसी मेथड को एग्जांपल के साथ इन डिटेल्स में समझाया जाएगा। ये मेथड सीखने के बाद आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस में ट्रेड करने का एक बेहतरीन स्ट्रेटजी मिल जाएगा। लास्ट तक वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ सीखने को ना मिला हो तो वीडियो को डिसलाइक करके चला जाना। तो आपके पास अभी वही चार्ट ओपन है, तो इसमें आप देखोगे जैसे ही प्राइस इस जगह पे नीचे आया और फिर से ये इस जगह से सपोर्ट लेके ऊपर जाना शुरू किया, तो आपको यहाँ से एक सपोर्ट लाइन खींच देना है। और देखो उसके बाद प्राइस जब ऊपर गया और फिर से नीचे आया और उसी सपोर्ट एरिया में जब ये टाइम बिताना शुरू किया, मतलब बायर इस जगह पे बाय करने के लिए एग्रेसिव हो रहा है, तो इस टाइम आपको क्या करना है देखिए। यहाँ पे सबसे पहले आपको प्राइस एक्शन को पढ़ना है, उसके बाद कैंडलस्टिक का जो हाई है उसको देखना है। किस तरह देखना है मैं अभी आपको समझाता हूँ। जैसे इस जगह पे ये सपोर्ट लिया तो फिर से उसी एरिया में आके ये सपोर्ट ले रहा है, तो आप जानते ही होंगे कि टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से अगर कोई सपोर्ट एरिया में आके प्राइस रुक जाता है तो वहां से चांस है कि बायर प्राइस को फिर से ऊपर ले जाएगा। इसके बाद आपको कैंडलस्टिक को देखना है, कैंडलस्टिक का जो हाई बन रहा है, यहाँ पे ये हाई बनाया, यहाँ पे इसका हाई बनाया, यहाँ पे इसका हाई, यहाँ पे इसका हाई, इस हाई को फॉलो करना है। उसको देखना है कि कब इस हाई को ये ब्रेक करके क्लोज कर रहा है। जैसे ये इस जगह पे हाई बनाया फिर यहाँ पे हाई बनाया, मतलब ये लोअर हाई बनाते हुए आ रहा है, इस लोअर हाई को किस जगह पे ये ब्रेक कर रहा है उसको देखना है। तो अब देखोगे ये जो कैंडल है यहाँ पे जो हाई बनाए वो इस कैंडल ने तोड़ दिया, क्या मतलब ये जो लोअर हाई बनते हुए आ रहा था फर्स्ट टाइम ये कैंडल बनने के बाद इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया, और ब्रेक किस जगह पे किया, प्रीवियस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया में आके ये ब्रेक किया। तो हमारा जो क्राइटेरिया होता है कि एक सपोर्ट एरिया होना चाहिए और जो सपोर्ट एरिया में आके जो हाई बनते हुए आ रहा है उस हाई को ब्रेक करना चाहिए, वो क्राइटेरिया फुलफिल यहाँ पे हो रहा है। अभी आपको प्राइस एक्शन को देखना है। जैसे देखिए ये एक सपोर्ट एरिया है और उस सपोर्ट एरिया में आया और इसको ब्रेक किया, तो क्या आपको यहाँ पे लग रहा है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है? इस वक्त ये साइड का प्राइस एक्शन आप भूल जाइए, अभी ये बना नहीं है, लेटेस्ट जो है ये कैंडल आपके सामने है। तो आपको क्या लग रहा है यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है? तो ऊपर जा सकता है इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसको समझ लेते हैं। देखिए जब आपको लगे कि बायर जो है उनका कंट्रोल में प्राइस ज्यादा आ रहा है इस एरिया में, तब आप आशा कर सकते हो कि प्राइस आगे आने वाले टाइम में और भी ऊपर जा सकता है। तो क्या इस वक्त जो प्राइस एक्शन आपके सामने बना हुआ है इस साइड का, उससे देख के आपको लग रहा है कि जो बायर है उसको कंट्रोल कर रहा है? तो बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे ये सपोर्ट एरिया है और उस सपोर्ट में आके ये भले ही टाइम बिता रहा है लेकिन जो बायर है उसका कंट्रोल यहाँ पे ज्यादा नहीं है। क्यों नहीं है देखिए, ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रहा है जब ये सपोर्ट एरिया में आया प्राइस, तो कितना स्ट्रॉन्ग प्राइस यहाँ पे आया देखिएगा, मतलब जो सेलर है ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव था सेल करने के लिए इस एरिया में। फिर जाके जो बायर प्राइस को अपना कंट्रोल में करने की ट्राई कर रहे वो कितना स्ट्रांग है यहाँ पे इस कैंडल से पता चल रहा है, वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये छोटा छोटा कैंडल बना रहा है, मतलब वो उतना ज्यादा एग्रेसिव नहीं है। और जिस कैंडल ने इस जो हाई बना रहा था, जो लोअर हाई बना रहा था, उस लोअर हाई को जो क्रॉस किया, उस कैंडल को भी आप ठीक से देखोगे तो वो एक इंडिसिजन टाइप का कैंडल है। भले ही एक बुलिश कैंडल और जो हाई है उसको क्रॉस किया, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो बायर है वो उतना ज्यादा एग्रेसिव नहीं है। तो इस जगह पे आपका जो एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस ऊपर जाएगा वो अभी उतना स्ट्रांग नहीं है, तो आपको और भी प्राइस एक्शन यहाँ पे देखना होगा। तो नेक्स्ट कैंडल देखिएगा, जो हाई बनाया वो इस हाई का नीचे आ गया, तो आपको और भी कैंडल देखना है। फिर ये भी ऐसा ही बना, फिर ये कैंडल आप देखोगे कि जितना ये तीन कैंडल बनाया प्रीवियस जो तीन कैंडल, इस
तीनों का हाई को तोड़ के ये यहाँ पे क्लोज किया। और इस जगह पे आप देखिएगा जब प्राइस ये नीचे आया और ये लो बनाया, उस लो को भी ये क्रॉस करके इसके ऊपर क्लोज कर गया, तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन गया यहाँ पे। लेकिन इसका जो शैडो आप देखोगे वो भी बहुत बड़ा शैडो है, मतलब बायर ने एग्रेसिवली प्राइस को बाय करके ऊपर लेके गया, लेकिन अंत तक लास्ट तक जो सेलर है वो भी थोड़ा कंट्रोल करने के लिए प्राइस को नीचे खींच के लेके आया। और एक चीज आप देखिएगा, ये जो यहाँ पे एक फाइट एरिया था पहले, इस फाइट एरिया में सेलर प्राइस को कंट्रोल करके स्ट्रांगली नीचे खींच के लेके गया था। तो ये एरिया यहाँ पे जो एरिया है आपको दिखाई दे रहा है, ये एरिया जो सेलर है वो ज्यादा स्ट्रांग है, और उसी एरिया में आके जो बायर प्राइस को अपना कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा था, उसमें लास्ट तक जो सेलर है वो अपना पावर यहाँ पे थोड़ा दिखाया। तो ऐसा सिनेरियो में आप सिर्फ प्राइस एक्शन के हेल्प से यहाँ पे डिसीजन नहीं ले सकते हो, यहाँ पे आपको और भी क्लैरिटी चाहिए, और उसके लिए आपको जो इंडिकेटर है उसको थोड़ा हेल्प लेना होगा। यहाँ से प्राइस एक्शन से दिखाई दे रहा है कि कंट्रोल में ले लिया है, लेकिन उसी प्राइस एक्शन से आपको ये भी पता चल रहा है कि लास्ट तक जो सेलर है वो थोड़ा यहाँ पे कंट्रोल किया है। और किस जगह पे कंट्रोल किया है, जहां पे पहले सेलर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग कंट्रोल में था। इसीलिए आपको अगर डिसीजन लेना है तो आपको प्राइस एक्शन के साथ साथ और भी क्राइटेरिया को कुछ देखना होगा इस जगह पे। तो मैं ऐसा सिनेरियो में क्या करता हूँ, जब मुझे प्राइस एक्शन से 100% कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है, इस ऐसा सिनेरियो में मूविंग एवरेज का यूज करता हूँ। और मैं जो मूविंग एवरेज यूज करता हूँ वो है 10 पीरियड सिंपली मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे ये 10 पीरियड का सिंपली मूविंग एवरेज लग चुका है। इसका क्या काम है देखिए, इसमें आपको देखना है कि जो 10 पीरियड सिंपली मूविंग एवरेज है वो लेटेस्ट कैंडल जो बनाया क्या उसके ऊपर आके क्लोज किया, बस इतना ही देखना है, उसके बाद इस मूविंग एवरेज का कोई काम नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सिंपली मूविंग एवरेज के ऊपर आके ये क्लोज कर गया। तो हमें यहाँ पे इंडिकेशन मिल रहा है कि जो बायर है वो अभी इस सपोर्ट एरिया में प्राइस को अपना कंट्रोल में कर चुका है और आगे आने वाले टाइम में प्राइस को ऊपर ले जा सकता है। तो इसके बाद अभी आपको क्या करना है, इसके बाद ये जो 30 मिनट का चार्ट है यहाँ से आपको कन्वर्ट करके 5 मिनट में चला जाना है, और वहां पे जाके आपको प्राइस एक्शन को फिर से स्टडी करना है। तो मैं इस चार्ट को 5 मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूँ और वहां पे मैं आपको जाके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये साइड का प्राइस एक्शन अभी तक बना नहीं है, ये जो बेयरिश कैंडल है यहाँ तक आपको प्राइस एक्शन बना हुआ है, तो इसको आपको स्टडी करना है। देखिए प्राइस एक डाउन साइड में था, फिर यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताना शुरू किया, और फिलहाल ये स्ट्रॉन्ग बाइंग कंट्रोल के साथ प्राइस ये ऊपर आया, और जो लेटेस्ट कैंडल है वो अभी एक बेयरिश कैंडल बनाया। तो क्या 5 मिनट चार्ट में आपको यहाँ पे तुरंत बाय कर लेना चाहिए? आपको 30 मिनट चार्ट में भले ही सिग्नल मिल रहा है, लेकिन 5 मिनट चार्ट में आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है प्राइस एक्शन में, इसके बेसिस पर आपको यहाँ पे तुरंत बाय नहीं करना है, क्योंकि देखिए ये एक डाउन ट्रेंड का प्राइस एक्शन था। फिर यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताया, मतलब बायर और सेलर दोनों ही फाइट किया, और यहाँ पे बायर प्राइस को कंट्रोल करके ऊपर लेके आ गया। तो अभी इस फाइट एरिया में जो बायर यहाँ पे बाय किया है उनको इस जगह पे प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। तो अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो यहाँ पे अगर सेलर थोड़ा सा भी एग्रेसिव हो जाता है तो इस जगह पे जो भी बायर बाय किया वो अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू करेगा, और प्राइस यहाँ पे फिर से एक चैनल में ट्रेड कर सकता है या फिर नीचे भी आ सकता है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे तुरंत बाय नहीं करना है, आपको वेट करना है इस जगह पे। तो यहाँ पे आप देखिएगा प्राइस फिर से इस जगह पे एक चैनल में ट्रेड करना शुरू कर दिया। तो आपको फिर से यहाँ पे बाइंग सिग्नल ढूंढने के लिए प्राइस एक्शन को स्टडी करना है। तो यहाँ पे ये चैनल बनाया, फिर ये ऊपर गया, तो जैसे ही चैनल बना के ट्रेड करना शुरू किया और उसके बाद आप देखोगे सेलर प्राइस को कंट्रोल करके ये नीचे लेके आया। जिस कैंडल में ये नीचे लेके आया यहाँ पे देखेंगे इसका शैडो को आप देखिएगा, यहाँ पे पहले फाइट एरिया था, उसी फाइट एरिया से आप एक ट्रेंड लाइन खींचोगे तो आप देखोगे उस फाइट एरिया से प्राइस को रिजेक्ट करके बायर ने ऊपर लेके गया, और उसका नेक्स्ट कैंडल ही प्राइस को फिर से इस जगह से रिजेक्ट किया और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया। तो इस कैंडल बनने के बाद, ये जो कैंडल, इस कैंडल बनने के बाद आप इस जगह पे बाय कर सकते थे, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो प्राइस एक्शन बना है उसके हिसाब से भी एक पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे ये ऊपर गया, थोड़ा ये टाइम बिताना शुरू किया ऐसा, फिर ये जो ट्रेंड लाइन बन रहा है अपसाइड उसको ब्रेक करके क्लोज किया, तो एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनाया और इसको ब्रेक करके ये क्लोज किया, तो आपका यहाँ पे बाय सिग्नल जनरेट हो जाता है। यहाँ पे 5 मिनट में जनरेट होता है और 30 मिनट में भी आपको एक कंफर्मेशन मिल रहा है। तो इस जगह पे जो बाय सिग्नल जनरेट होता है वो बहुत ही स्ट्रांग है।
तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। और स्टॉप लॉस कैसे रखना है, देखिए किसी भी तरह का कोई रूल्स नहीं है कि कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, ये हर एक सिनेरियो में अलग अलग हो सकता है। जैसे ये एक फाइट एरिया है और इस जगह से प्राइस को रिजेक्ट किया गया, तो आप इसका थोड़ा नीचे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। और टारगेट के लिए आप इस 5 मिनट को नहीं देखना है, टारगेट के लिए आपको फिर से 30 मिनट में जाना है और वहां पे एक टारगेट सेट करना है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से 30 मिनट में जाके, तो देखिए हमारा जो ट्रेडिंग सिग्नल है वो इस जगह पे मिल रहा है, तो हमारा टारगेट कहां तक होना चाहिए, तो उसके लिए हमें प्रीवियस प्राइस एक्शन देखना है। तो प्रीवियस प्राइस एक्शन आप देखोगे प्राइस नीचे आया, इस जगह पे थोड़ा टाइम बिताया, फिर नीचे गया, फिर ये ऊपर आया, तो आप देखोगे इसी जगह पे फिर से थोड़ा टाइम बिताया, फिर जब ये नीचे आया तो उसी जगह पे टाइम बिताया, फिर ये नीचे आया, ऊपर गया, इसी जगह पे थोड़ा टच करके नीचे आया, तो यहां तक आप अपना टारगेट रख सकते हो। और ये कोई फिक्स टारगेट नहीं है, जैसे जैसे प्राइस एक्शन बनते हुए जाएगा आप अपना टारगेट को भी इंक्रीज कर सकते हो और जो एसएल है उसको भी ट्रेल कर सकते हो। तो यहां तक का टारगेट है 43,700, तो इसी टारगेट को आप अपना 5 मिनट चार्ट में जाके सेट कर लोगे। जैसे यहां पे आपका बाय सिग्नल जनरेट हुआ और आपका टारगेट है 43,700, मतलब इस जगह तक आप अपना फर्स्ट टारगेट रख सकते हो। तो जैसे जैसे अब ये प्राइस एक्शन बनते हुए जा रहा है, जो इस एसएल है उसको भी आपको ट्रेल करते हुए जाना है, और यहाँ पे निकलना है या नहीं निकलना है वो भी आपको प्राइस एक्शन से ही डिसाइड करना है। ये एक अलग टॉपिक है, ये आता है ट्रेड मैनेजमेंट के अंदर, अभी मैं उसका डिस्कस नहीं करूंगा यहाँ पे, क्योंकि उसका डिस्कस करने जाऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। और जो मैं आपको अभी यहाँ पे समझा रहा हूँ, जो मेथड यानी जो स्ट्रेटेजी मैं आपको समझा रहा हूँ, वही मैं आपको ठीक से समझा नहीं पाऊंगा। तो ये तो गया अपसाइड के लिए, मतलब जब प्राइस नीचे आ रहा है कोई जगह पे ये सपोर्ट फेस कर रहा है, फिर ऊपर गया, फिर जब उस जगह पे आके बायर ने प्राइस को कंट्रोल करना शुरू किया, तो किस तरह आप इसको अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हो उसको समझाया। अभी आप डाउन साइड के लिए किस तरह कर सकते हो उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हम बैंक निफ्टी का फिर से 30 मिनट चार्ट को ओपन कर लिया है और ये जो लेटेस्ट प्राइस एक्शन आपको दिखाई दे रहा है ये है 27 जुलाई का है, मतलब आज जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसी डेट का है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे प्राइस एक स्ट्रॉन्ग इस जगह पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और फिलहाल आज प्राइस उसी जगह पे गैप अप ओपन होता है और यहाँ पे प्राइस टाइम बिताना शुरू करता है, मतलब इस जगह पे आके सेलर ने फिर से प्राइस को अपना कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा है और बायर भी प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए इस जगह पे फाइट होना शुरू हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या देखना है, यहाँ पे देखना है जो प्राइस ने लो बन रहा था वो किस तरह बन रहा था। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो लो है फिर ये अपसाइड लो बनाया, मतलब जो लो है वो हायर लो बनाते हुए जा रहा है। तो पहले आपको देखना है कि कब ये जो लो है इस लो को ब्रेक करके क्लोज करता है। तो यहाँ का जो प्राइस एक्शन है उसको आप ठीक से देखोगे तो इस जगह पे ये जो कैंडल बनाया, एक शूटिंग स्टार जैसा कैंडल बनाया, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेयरिश शूटिंग स्टार कैंडल बनाया और इस जगह पे जो रेजिस्टेंस है ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, क्योंकि आप देखिए ये प्राइस ऊपर आया वहां से नीचे आया, जब ये नीचे आया तो कितना बड़ा रिजेक्शन इस कैंडल ने दिखाया आप देख सकते हो, मतलब ये एरिया स्ट्रॉन्ग सेलर जोन का है। इस जगह पे आया फिर से नीचे खींचा गया, इस जगह फिर से नीचे खींचा गया, फिर आप देखोगे इस जगह पे जब ये गैप अप ओपन होता है तो इसको फिर से स्ट्रॉन्गली नीचे खींच लिया गया और उसी एरिया में मतलब उसी रेजिस्टेंस एरिया में आके इस जगह से फिर से फाइट होना शुरू हुआ और एक स्ट्रॉन्ग एक बेयरिश कैंडल बनाया। तो यहां से ही आपको एक कंफर्मेशन मिल रहा है कि प्राइस इस जगह से और भी नीचे जा सकते हैं, मतलब जो सेलर है प्राइस को और भी नीचे ले जा सकता है। लेकिन ये जो स्ट्रेटेजी मैं आपको सिखा रहा हूँ इसके हिसाब से आपको ये जो लो है इस लो को ब्रेक करके क्लोज करना होगा, क्योंकि आप एक बिगिनर है तो आपको इस रूल्स को फॉलो करना है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते हुए जाएगा तो आप कुछ कुछ सिनेरियो में इस रूल्स को ब्रेक भी कर सकते, जैसे इस सिनेरियो में आप इसको ब्रेक कर सकते थे, लेकिन अगर आप एक बिगिनर लेवल पे आपका उतना एक्सपीरियंस नहीं है तो आप जो भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ उसका रूल्स को ब्रेक नहीं करना है, उसको पहले आप देखिए सीखिए, जब आपका एक्सपीरियंस आ जाएगा तब जाकर आप ब्रेक कर सकते हो। तो उस रूल्स के हिसाब से आप इसको किस तरह ट्रेड कर सकते हो उसी को मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए उसका जो नेक्स्ट कैंडल बनता है मतलब वो इस लो को ब्रेक करके क्लोज कर गया, इस जगह पे क्लोज कर गया। तो यहां से आपको पता चल रहा है कि प्राइस को और भी नीचे ले जाया जा सकता है सेलर के द्वारा। तो अभी आपको 5 मिनट चार्ट में चला जाना होगा इस जगह पे और 5 मिनट चार्ट में जाके उसको प्राइस एक्शन देखना होगा। तो कितना बजे से आपको देखना होगा यहाँ पे देख लेते, 11:15 से आपको देखना होगा। तो मैं इसको 5 मिनट में कन्वर्ट कर देता हूँ।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो 11:15 है वो ये कैंडल, मतलब यहाँ तक का कैंडल आपके पास है, इस साइड का भूल जाइए, यहाँ तक का प्राइस एक्शन आपको पढ़ना है। देखिए गैप अप ओपन होता है, इस जगह पे गैप अप ओपन होता है, प्राइस के अंदर बायर और सेलर के बीच में फाइट होता है, फिर सेलर क्या करता है इस एरिया को भी ब्रेक करके ये नीचे लेके आ जाता है, फिर एक स्ट्रॉन्ग नीचे आया और ये एरिया में एक रेजिस्टेंस था, आप देख सकते हो प्राइस ऊपर आया फिर नीचे आया फिर ये से ऊपर आया, तो एक रेजिस्टेंस था और उसी एरिया में आके फिर से ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो आपको क्या करना है, जो लो बनाया उस लो से एक ट्रेंड लाइन खींच लेना है इस तरह, तो जैसे ही इसको क्रॉस करेगा उसी टाइम आपका एंट्री हो जाएगा। क्यों एंट्री हो जाएगा, देखिए क्योंकि आपको जो 30 मिनट में है वहां पे स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग क्यों मिल रहा है मैं 30 मिनट में जाकर आपको दिखाता हूं फिर से। ये जो कैंडल है एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल, तो आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल रहा है, तो स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलने के बाद आपको 5 मिनट में जाके ज्यादा कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है। अगर आपको प्राइस एक्शन थोड़ा बहुत भी कंफर्मेशन मिला है तो आप तुरंत वहां पे ट्रेड ले लीजिए, क्योंकि उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आपको मिल सकता है और वहां पे भी आपको क्विक प्रॉफिट बुक करना होता है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग सेल किया होगा उनको इस जगह पे आके प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। और उसके बाद 5 मिनट में अगर आप इस जगह पे ज्यादा टाइम यहाँ पे पोजीशन को होल्ड कर रहे हो तो फिर से वहां पे बाइंग प्रेशर आ सकता है, क्योंकि ये सब लोग तब जाके यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना शुरू करेगा, प्राइस ऊपर जा सकता है या फिर एक रेंज में फंस सकता है। इसको जैसे ही ये ब्रेक किया तो आपका सेल सिग्नल यहाँ पे जनरेट हो गया और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस एरिया का थोड़ा ऊपर रखना होगा और टारगेट के लिए भी आपको 30 मिनट में चला जाना होगा। 30 मिनट में किस जगह पे प्रीवियस प्राइस एक्शन के हिसाब से सपोर्ट एरिया था उसी हिसाब से आपका जो टारगेट है उसको फिक्स करना होगा और प्राइस एक्शन जिस तरह बनते हुए जाएगा उसके हिसाब से आपका जो SL है उसको भी ट्रेल करते हुए जाना है और जो टारगेट है उसको भी आपको एडजस्ट करना होगा कि कहाँ पे आपको निकल जाना है क्या टारगेट को और भी नीचे ले जाना है। तो यही था हमारा ये मेथड, इस मेथड को आप यूज कीजिए, बहुत ही बढ़िया काम करता है ये मेथड। और ये मेथड सिर्फ इंट्राडे के लिए अंदर काम नहीं करता, अलग अलग टाइम फ्रेम भी काम करता है, मैंने आपको समझाया 30 मिनट और 5 मिनट का कॉम्बिनेशन में, लेकिन आप इसको 1 आवर और 15 मिनट का कॉम्बिनेशन में भी ट्रेड कर सकते हो। और थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम के लिए अगर करने चाहते हो तो आप इसको 1 डे और 1 आवर टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन में कर सकते हो, और थोड़ा लंबा करना चाहते हो तो आप इसको 1 वीक और 1 डे का कॉम्बिनेशन में कर सकते हो। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखे हो और कुछ सीखने को ना मिला हो तो आपको क्या करना पता है, लेकिन अगर कुछ आपको सीखने को मिला हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कीजिए और इसी तरह प्राइस एक्शन के ऊपर यूजफुल वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कई कॉन्सेप्ट के साथ।